प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बड़ा आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पूर्ण वर्ग विधि से, ज़रा ध्यान दें, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 को ज्ञात करो या बराबर 0 ज्ञात करो। अब आप देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में 5x² - 6x - 2 = 0 = 0। आगे आप देखिए समीकरण एक को, ज़रा ध्यान दें, समीकरण एक को 5 से क्या कर दिया है हमने, गुणा कर दिए, तो ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 10 = 0। अब ज़रा आप ध्यान दें, इस वाले को हमने क्या करा, स्क्वायर में लिख दिया है, इसको हमने तोड़ दिया इस तरीके से। आगे आप देखिए माइनस के 10 हैं, इस वाले में जो है टर्म में हमने क्या करा है, माइनस के 9, मतलब एक बार 9 को जोड़ दिया है, एक बार 9 को हमने घटा दिया है, बराबर 0। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। ज़रा आप देखिए, इसका स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया, जब 5 * 3 = 15, 15 * 2 = 30, ये पूरा 30 बैठ रहा है, 30x ये हो गया, 10 और ये वाले 9, तो -19 ये बैठ रहा है, बराबर 0। अब ज़रा आप ध्यान दें, ये जो हम बना के लाएँ, इसका पूरे का क्या बनना है, होल स्क्वायर बनना है, 5x + 3 का होल स्क्वायर बनना है। देखिए इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, इसको खोलेंगे तो ये, और दोनों का जब दुगना करेंगे तो माइनस का, तो आपको माइनस का 5x - 3 का होल स्क्वायर, ज़रा ध्यान दें, ये माइनस का है आपका, 5x - 3 का होल स्क्वायर - 19 = 0, जो आपकी एंटर लेंथ दिख रही है पूरा मान किया जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आपको हम फार्मूला करा चुके हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² दोनों का दुगना, तो 5 * 3 = 15 * 2 = 30, -19 = 0। अब ज़रा आप देखिए 5x - ये माइनस है, 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 19 के है, तो 5x - 3 बराबर किसके हो जाएगा, √19 के, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर रूट आ जाएगा या रूट में चेंज हो जाएगा, तो वो किस में जाएगा, प्लस माइनस में। अब आगे देखिए आप, एक बार जब हम पॉजिटिव लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान, x बराबर ये 3 पहुंच जाएंगे उधर जाके पॉजिटिव के, 5 कहाँ पहुंच जाएंगे, उसके नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 + √19/5। ज़रा ध्यान दें, निगेटिव का जब हम लेंगे मतलब माइनस का लेंगे तो 5 आपके नीचे पहुँचेंगे, ये वाला आपका पॉजिटिव में जाएगा, फ़र्क क्या रहेगा, केवल यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब ज़रा आप ध्यान दें, इसकी जो जांच विधि है, जांच विधि देखिए ज़रा, जो आपकी समीकरण दे रखी है इसमें आप x का मान लगाएंगे और उसका स्क्वायर जब खोलेंगे और आने के बाद उसकी जो गुणा करेंगे, -6x का मान रखेंगे, दोनों गुणा करेंगे, करने के बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व करेंगे, अगर आपको 0 मिल रहा है, ज़रा ध्यान दें, अगर आपको 0 मिला है तब तो आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।